बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने कर्ज माफी योजना में विसंगति के आरोप लगाए हैं। नंद कुमार ने कहा कि किसानों के अंशदान की राशि से कर्ज माफ करने की नौटंकी की जा रही है, तो वहीं सहकारी समितियों को किसानों के शेयर में से 25% और डिफॉल्टर किसानों के शेयर से 50% राशि कर्ज माफी योजना के नाम पर देने के निर्देश दिए हैं। इससे सोसाइटी तबाह हो जाएगी, तो वहीं सांसद चौहान ने किसानों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। एक से दो वर्ष तक के बकायदा 2,00,000 रुपए तक के कर्ज माफी का जो इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें 1 से 2 साल तक के, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक के बकायादार और 3 वर्ष से अधिक तक के बकायादार के लिए जो आदेश जारी हुआ है, कर्ज माफी का 50% सरकार देंगी और उस तबके के कर्ज माफी में 50% सोसाइटी को अपनी तरफ से देना है। ये तुगलकी फरमान है, ये सहकारिता आंदोलन को तबाह करने वाला फरमान आदेश है। ये बर्बाद हो जाएंगी सेवा सहकारी समितियां, हाहाकार मच जाएगा पूरे प्रदेश में। इसको भी भाजपा किस तरह से विरोध करने जा रही है? अब बात रायसेन जिले की, जहां प्रभारी मंत्री हर्ष यादव ने कर